आज मैं लेके आई हूँ 10 किटी पार्टी गेम्स जो आप अपनी ऑनलाइन पार्टी में भी खेल सकते हैं और नॉर्मल पार्टी में तो खेल ही सकते हैं। ये सिंपल लेकिन इंटरेस्टिंग गेम्स है। इन गेम्स के लिए जो भी चीजें चाहिए होंगी वो लगभग सभी के घर में होती ही है, तो आप लोग ये गेम ऑनलाइन सबके साथ भी खेल सकते हैं। ये सारे एक मिनट गेम है, या तो आप एक एक करके खेल सकते हैं या पूरे ग्रुप को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर ले। एक ग्रुप पहले खेलेगा और दूसरा ग्रुप बाद में। ग्रुप के साथ खेलने में ज्यादा मजा आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस गेम को खेलने के लिए आपको चाहिए होंगे बहुत सारे नेकलेसेस, मालाएं और गले में पहनने वाले हार। इस गेम को मैंने डिवाइड किया है दो पार्ट्स में। सारे प्लेयर्स को एक मिनट मिलेगा। उस एक मिनट में सारे प्लेयर्स को जितने नेकलेसेस पॉसिबल है उतने नेकलेसेस इकट्ठा करके लाने हैं और लैपटॉप या मोबाइल के सामने बैठना है। दूसरे पार्ट में सबको एक मिनट दिया जाएगा। सबको ज्यादा से ज्यादा हार गले में पहनने हैं। जो कोई सबसे ज्यादा हार पहनेगा वो इस गेम का विनर होगा। इस गेम को खेलने के लिए चाहिए होंगे हमें दो ग्लासेस, एक बेलन, दो टूथपिक और 12 बैंगल्स। दो ग्लासेस हमें इस तरह से उल्टे रखने हैं और ऊपर एक बेलन रखना है। एक ग्लास में 12 बैंगल्स डालनी है। जैसे ही सबका सेटअप हो जाएगा गेम स्टार्ट करें। इन दो टूथपिक की हेल्प से हमें सारी चूड़ियां एक एक करके दूसरे ग्लास में शिफ्ट करनी है। जो प्लेयर एक मिनट में सबसे ज्यादा बैंगल्स शिफ्ट करेगा वो इस गेम का विनर होगा। ये गेम खेलने के लिए हमें चाहिए होंगे दो स्पून और एक ग्लास। दोनों स्पून हमें इस तरह से रखने हैं, हम एक स्पून को उछाले तो दूसरा भी उछले और ग्लास में जाके गिरे। एक मिनट तक कंटिन्यूअसली हमें इन स्पून्स को उछालना है ताकि ये ग्लास में गिरते रहे। जितनी बार स्पून ग्लास में जाएगा उतने पॉइंट्स प्लेयर को मिलेंगे। जिस किसी प्लेयर के पॉइंट्स सबसे ज्यादा होंगे वो इस गेम का विनर होगा। इस गेम के लिए आपको चाहिए होगा एक बिस्किट और कुछ कॉइन्स। हमें बिस्किट को इस तरह से मुंह में पकड़ना है और उस पे एक कॉइन्स का टॉवर बनाना है। जिस किसी प्लेयर का एक मिनट में सबसे ज्यादा कॉइन्स का टॉवर बनेगा वो इस गेम का विनर होगा। अगर कॉइन्स नीचे गिर जाते हैं तो वो काउंट नहीं होंगे। इस गेम के लिए हमें चाहिए एक बड़ा सा बाउल भर के पानी, एक छोटा प्लास्टिक का बाउल और कुछ कॉइन्स। हमें एक बड़े से बाउल में पानी लेना है, उसमें इस तरह से ये बाउल रखना है। जैसे ही टाइम स्टार्ट होगा हमें इस छोटे बाउल में कॉइन्स का एक टॉवर बनाना है। जिस किसी प्लेयर का टॉवर सबसे ज्यादा कॉइन्स से बना होगा वो इस गेम का विनर होगा। जो कॉइन्स नीचे गिर जाएंगे वो गिने नहीं जाएंगे। इस गेम के लिए हमें चाहिए होंगे दो ग्लासेस,
और कुछ कॉइन्स। दो ग्लास इस तरह से चिपक के रखने हैं और इन दोनों ग्लासेस का ये जो जॉइंट है उस पर हमें कॉइन्स का एक टॉवर बनाना है। जिस किसी प्लेयर का टॉवर सबसे ज़्यादा कॉइन्स से बना होगा वो इस गेम का विनर होगा। जो कॉइन्स नीचे गिर जाएंगे वो गिने नहीं जाएंगे। इस गेम के लिए आपको चाहिए थोड़ा सा गूंदा हुआ आटा और लगभग 30 बैंगल्स। एकदम थोड़ा सा आटा हमें गून लेना है और इस आटे की हेल्प से हमें ये बैंगल्स खड़ी करनी है। एक मिनट में जो भी प्लेयर सबसे ज़्यादा बैंगल्स खड़ी करेगा वो इस गेम का विनर होगा। जो बैंगल्स गिर जाएंगी वो काउंट नहीं होंगी। इस गेम के लिए हमें चाहिए थोड़ा सा आटा और लगभग 25-30 बैंगल्स। इस गेम के लिए हमें चाहिए बहुत सारी बैंगल्स और एक कपड़े सुखाने वाला क्लिप। सारी बैंगल्स को हमें टेबल पे इस तरह से फैलाना है। जैसे ही टाइम स्टार्ट होता है सबको एक एक बैंगल क्लिप से उठानी है और हाथ पे रखनी है। फिर क्लिप बाजू में रखना है और वो बैंगल पहननी है। इसी तरह से उन्हें एक एक करके मैक्सिमम बैंगल्स उठानी है और वो पहननी है। जो कोई प्लेयर एक मिनट में सबसे ज़्यादा बैंगल्स पहनेगा वो इस गेम का विनर होगा। जो बैंगल्स नीचे गिर जाती है या हाथ में नहीं पहन पाते वो काउंट नहीं होंगी। इस गेम के लिए हमें चाहिए होंगी कुछ बिंदी और दो ओवन ग्लव्स। सारे प्लेयर्स को बिंदियां एक प्लेट में लेनी है और एक एक करके बिंदी उठानी है, उसका स्टिकिंग पेपर निकालना है और वो माथे पे लगानी है। जो कोई प्लेयर एक मिनट में ज्यादा से ज्यादा बिंदियां माथे पे लगाएगा वो विनर होगा। इस गेम के लिए हमें चाहिए होगा एक बिस्किट, कुछ टूथपिक्स और स्ट्रॉ। एक बिस्किट हमें टेबल पे रखना है। आप चाहे तो बिस्किट को प्लेट में भी रख सकते हैं। साइड में एक ग्लास में स्ट्रॉज रखनी है। बिस्किट में एक एक करके टूथपिक चुभानी है, फिर मुंह से स्ट्रॉ उठानी है और टूथपिक पे लगानी है। स्ट्रॉ को हमें बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। आप चाहे तो दोनों हाथ पीछे फोल्ड कर सकते हैं। जो कोई प्लेयर एक मिनट में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉज खड़ी करेगा वो इस गेम का विनर होगा। जो स्टॉल्स नीचे गिर जाएंगी वो काउंट नहीं होगी। ये रहे हमारे 10 ऐसे पार्टी गेम्स जो हम अपने घर में बैठे जूम पे खेल सकते हैं या तो किसी पार्टी में सबके साथ खेल सकते हैं। ये है बड़े मज़ेदार, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये सारे गेम्स आपको कैसे लगे ये हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं।